हेलो दोस्तों दिस इज मयंक कोठारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस एफ एम के वीडियो लेक्चर्स के बारे में फास्ट ट्रैक वीडियो लेक्चर्स फॉर नवंबर 2017 अटेम्प्ट सो so, कौन कौन से टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं द फर्स्ट थिंग किन लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर्स अपलिकेबल और यूजफुल रहेंगे सेकेंड थिंग क्या कवरेज है क्या क्या कंटेंट आपको इस वीडियो लेक्चर्स के साथ में आएगा

अगर आपने क्लासेस की लेकिन प्रॉपरली सारी क्लासेस अटेंड नहीं हो पाई एंड दैट इज़ वाई योर लैकिंग कॉन्फिडेंस राइट नाउ द पोजिशन कुछ भी हो पास में लेकिन अगर आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपको एस में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है एग्जाम को लेके एंड यू नीड कंसेप्ट क्लैरिटी देन दिस वीडियो लेक्चर्स आर हेल्पफुल टू यू दिस इज द फर्स्ट थिंग अगर आपने क्लासेस नहीं भी की है और अगर नवंबर 17 अटेम्प्ट है लाइक देर आर पीपल हु आर गोइंग टू क्लियर आई का ग्रुप इन मे सेवनटीन एंड देन नवंबर सेवनटीन इमिजिएटली उनका अटैम्प्ट आएगा जस्ट बिकॉज वो पहले क्लियर नहीं हो रहे थे आईपीसी आप क्लियर हो रहे थे एक्म से नवंबर सेवनटीन का अटैम्प्ट एंड देवाइडेड टू गिव सिंगल ग्रुप सो उन लोगों के लिए फास्ट ट्रैक लेक्चर्स हेल्पफुल है बिकॉज रेगुलर बैच के लेक्चर्स करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इज नॉट फिजिबल क्योंकि टाइम कम होता है नाउ बेसिकली दिस वीडियो लेक्चर हैजबिन डिजाइंड इन ऑर्डर टू अचीव वन गोल कि आपके मिनिमम क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए सो ऑन एंड अराउंड मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ जैसे रेगुलर बैच में सौ कॉन्सेप्ट होते हैं तो यहाँ हमने नाइन्टी नाइन्टी फाइव कॉन्सेप्ट कवर किए हुए हैं कुछ चार पाँच तरीके चार पाँच परसेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हमने छोड़ दिए रीजन बिंग वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है जैसे कि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कैसे करना ये म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग कैसे करना ये वीडियोज़ मे नॉट बी देयर इन द फास्ट ट्रैक लेक्चर्स कि एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे होती है या फिर कुछ एफ के बारे में जानकारी दे दी या फिर कुछ एग्जाम्पल्स जो एक्चुअल में मर्जर हुआ है उनके एग्जाम जानकारी दे दी वो रेगुलर बैच का पार्ट हो गया रेगुलर बैच इज अ डिटेल स्टडी ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपार्ट फ्रॉम दी कोर्स कंटेंट ऑल्सो बट फास्ट ट्रैक लेक्चर्स इज डिजाइन प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके कम से कम आर्ट्स में पूरा कोर्स कवर अप हो जाए ना इस वाले वीडियो uh, लेक्चर्स में आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस uh, अगल अलग कवर किया हुए हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कि आप अगर ये वीडियो लेक्चर्स लेते हैं तो आपको इसके साथ में क्या क्या कंटेंट आएगा द फर्स्ट थिंग इज यू विल रिसीव अ बॉक्स उसके अंदर में आपके पास में एक पेन ड्राइव होगी एक बुक होगी एक सेट होगा चार्ट्स का और आपके पास में इंडेक्स शीट भी होगी और इंस्टॉलेशन गाइड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट द बुक दैट यू आर गोइंग टू रिसीव मैं आपको बताता हूँ ध्यान देंगे ये बुक है एस की ये ये बुक आपको आएगी ध्यान देना अगर आपको जो भी बुक आ रही है उस पर नवंबर 2017 लिखा हुआ होना चाहिए दैट इज द करंट बुक हर अटेम्प्ट के लिए बुक का कंटेंट चेंज होता है अंदर से सो यू शुड बी यूजिंग द करंट बुक नाउ दिस इज नवंबर 2017 की बुक देर आर थ्री सेक्शन इन द एंटायर बुक अभी तक जितने भी क्रैश बैचे से वीडियो लेक्चर्स होते थे लास्ट अटैम्प्ट उसमें मोस्टली मैं सिर्फ क्वेश्चन कवर करता था इस बार रिविजन के नोट्स भी कवर किए हुए अपार्ट फ्रॉम द चार्टव देर आर थ्री सेक्शंस देर आर थ्री सेक्शंस इन द एंटायर बुक सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री सेक्शन वन में आपके पहले क्वेश्चन बुक है सेक्शन टू रिविजनरी नोट्स है एंड देन सेक्शन थ्री इज थेरी नोट्स अच्छा क्वेश्चन बुक कहाँ काम आएगी क्वेश्चन बुक में आपके लेक्टेड क्वेश्चन है लाइक like अराउंड आपका 179 के आसपास क्वेश्चन कवर अप किए हुए हैं जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर करते हैं सो so, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको लेके बैठना है जब आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे ठीक है वीडियो लेक्चर्स कैसे होंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा पहले बुक की बात कर लेते हैं सो so, इसमें पूरा क्वेश्चन बुक है तो 74 फोर पेजेस अराउंड कवर्स द क्वेश्चन पार्ट उसके बाद रिविजनरी नोट्स ये कब काम आएंगे सर आपने कॉन्सेप्ट देख लिया कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लिए लेकिन स्टिल यू नीड टू यूनिट समथिंग इन राइटिंग तो ये यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं रिविजनरी नोट्स में ये तकरीबन 114 सौ चौदह पेजेस के नोट्स हैं रिवाइज करने में आपको एक एक, -एक लाइन वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है जब रिविजन करोगे तो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू पेज ताकि ईजिली कम टाइम में आपका रिवाइज हो सके आखिरी के दिन में सो आई विल सजेस्ट कि आप ये आखिरी के दिन में ज़रूर पढ़ें जब एक दिन बाकी होगा तो और वो भी वन बाय वन लाइन नहीं जस्ट एक बार गो थ्रू कर ले तकरीबन तकरीबन मान लो दो चार घंटे के अंदर में सारा का सारा आपका एस एफ एम रिवाइज हो सकता है थ्रू दिस नोट्स 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 अगेन थर्ड पार्ट इज किस बात के लिए एस एफ एम का जब आप एग्जाम पेपर देते हो एग्जाम देते हो तो जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता है उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है वो होता है थेरी क्वेश्चन सिक्सटीन मार्क्स की थेरी आती है उन उस क्वेश्चन पे बेस्ड है ये पूरे आखिरी के नोट्स 88 पेजेस के यू नीट टू theory questions is questions क्वेश्चन इस aapke में से आपके aate में क्वेश्चन आते हैं and then you will should be able to write it. and these these are purely theory questions. so इस तरह से तीन part कवर अप किए हुए इसके पहले वाले जो लेक्चर्स आते थे item तक आते थे उसमें सिर्फ क्वेश्चन बुक और थेरी नोट्स होती थी रिविजनरी नोट्स नहीं होते थे वी हैव इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू द feedback received फ्रॉम द स्टूडेंट्स वी हैव इंक्लूडेड that also. चलो ये कंप्लीट हो गया आपके तीन सेक्शन आपको समझ में आ गए ठीक है थोड़ा सा मैं इंडेक्स डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में सो <coughs> so, दो हिस्सों में अपन ने डिवाइड कर दिया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 84 फोर मार्क्स के आते हैं थेरी क्वेश्चन सिक्सटीन मार्क्स के आते हैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपके दो सेक्शन कवर है और थेरी क्वेश्चन में लास्ट वाला सेक्शन कवर है सो so, सबसे पहला वाला जो सेक्शन है रिविजन नोट्स इसके पेज नंबर आपको दिए हुए क्वेश्चन नोट्स के पेज नंबर दिए हुए कितने क्वेश्चन हमने कवर किए हुए ये भी हमने यहाँ पे इंक्लूड uh, कर दिया ठीक है बाकी तो आपका इंडेक्स है ही आगे यहाँ से क्वेश्चन वगैरह चालू होंगे ऐसे एंड देन यू शुड बी वॉचिंग द लेक्चर्स अलॉन्ग विद दिस थिंग्स सो दिस इज़ एंटायरली अबाउट द बुक दैट यू विल रिसीव नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द चार्ट्स आपको एस एफ एम के चार्ट मिलेंगे आपको तकरीबन पाँच चार्ट मिलेंगे इस वीडियो लेक्चर्स के साथ में एक होगा फॉरन एक्सचेंज के लिए एक होगा बॉन्ड वैल्यूएशन डिविडेंड पॉलिसी एक कैपिटल बजटिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डेरीवेटिव इन सब के लिए चार्ट्स हैं ठीक है जो आखिरी वाला चार्ट होगा बॉन्ड वैल्यूएशन डिविडेंड उसमें एक दो चैप्टर छोटे छोटे और इंक्लूड किए हुए जो मिसलिनियस टॉपिक्स यू कैन से दीज आर द चार्ट्स दैट यू आर गोइंग दार्टैट रिसीव विद इन द पैकेज इस चार्ट को कैसे यूज़ करना है मैं आपको आखिरी में बताऊँगा जब अपन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टडी दीज हाउ टू स्टडी फॉर द एस एफ एम फोर नवम्बर टू थाउजेंड सेवेंटीन ठीक है सो ये हो गया अच्छा इनके अलावा अब डिस्कस करते हैं कि सर एंटायरली मेरे को बताओ कि ये जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो कितने घंटे के रहेंगे कितने वीडियोज इसके अंदर इंक्लूडेड है एंड ऑल दैट लेट्स डिस्कस दैस ये जो पूरे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं इसमें टोटली तीन सौ नौ वीडियोज़ है

पंद्रह मिनट बीस मिनट ऑन एन एवरेज इस आ, हर वीडियो का टाइम है ड्यूरेशन है टोटली totally आपका पूरा कंटेंट ख़त्म हो जाएगा देखना एट्टी आवर्स में पिछली बार तक ये वीडियो लेक्चर्स अराउंड फिफ्टी एट तो टू सिक्सटी आवर्स के होते थे बीस घंटे से ये वीडियो लेक्चर्स बढ़ गए क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट या इलाब्रेशन कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा है इस बार पिछली बार तक सिर्फ ढाई सौ वीडियोज़ होते थे इस बार तीन सौ नौ वीडियोज़ है सो तकरीबन साठ वीडियोज़ आपके बढ़ चुके हैं फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के हिसाब से सो दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू डू एट्टी आवर्स को आपको मैनेज करना है नवंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन अटैम्प के लिए वट टाइम आई विल सजेस्ट इज डेली का थ्री आवर्स के वीडियोज कंप्लीट करो स्पीड में देखोगे तो आपका और जल्दी कंप्लीट होगा सो एट्टी आवर्स यू कैन कंप्लीट विद इन फिफ्टी टू सिक्सटी आवर्स ईजीली सो आपके लिए आप पे डिपेंड करता है कि आप कब देखो और कितने ड्यूरेशन में खत्म कर रहे हो रेगुलर स्पीड में देखो एट्टी आवर्स में आपका सारा कंटेंट खत्म हो जाएगा नाउ ये तो मैंने आपको कंटेंट के बारे में बता दिया आई विल सजेस्ट रोज़ डेली अराउंड आप एटी आवर्स के जो वीडियोज़ है डेली आप थ्री आवर्स देखो तकरीबन तकरीबन पच्चीस दिन में आपका पूरा कंटेंट खत्म हो जाता है सर पच्चीस दिन बहुत हो गए आई विल सजेस्ट टू गो विथ दिस स्पीड ओनली अगर आप डिसाइड कर रहे कि डेली का आप आठ आठ घंटे की वीडियोज़ देखोगे एंड देन कम्प्लीट द एस एफ आई मैथ सुन एज पॉसिबल ध्यान रखना कोई भी एक चीज़ ना तीन घंटे के ऊपर दिमाग में रिटेन नहीं हो पाती सो so, आप चौथे घंटे से जितना भी वीडियोज़ देखोगे यू आर जस्ट वॉचिंग दोज वीडियोज़ टू फिनिश इट अप पढ़ने के लिए नहीं आप खत्म करने के लिए पढ़ रहे हो एंड दैट विल नॉट बी यूजफुल मतलब अल्टीमेटली जब काम ही नहीं काम आना ही नहीं है तो वो टाइम स्पेंड करके कोई मतलब नहीं इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम सो डोंट डू इट दैट इज़ माय सजेशन बाकी आप प्लान कर सकते हो नाउ सर एक एक वीडियोस को अगर हमको प्लान करना है तो कुछ ऐसा मिलेगा क्या कि कौन सा वीडियोस के कौन से चैप्टर में कितने वीडियोस और क्या नाम के कवर है यस यू विल रिसीव इंडेक्स शीट विद दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक ऐसी आपको इंडेक्स शीट मिलेगी नवंबर 2017 के लिए फास्ट ट्रैक बैच की ठीक है अब आप देख सकते हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन टू फास्ट ट्रैक वीडियोज़ जीरो नंबर पे दिया हुआ है दिस इज़ द वीडियो जो मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ दिस इज़ द वीडियो दैट विल बी देयर एट फर्स्ट इन द वीडियो लेक्चर्स और उसके बाद में कैपिटल बजटिंग एंड एवरी विल बी देयर सो कैपिटल बजटिंग आपको चैप्टर दिया हुआ है और उसके बाजू में आप अगर नेक्स्ट कॉलम देखेंगे तो लेक्चर का नाम दिया हुआ है ये सारे लेक्चर के नाम यानी इतने वीडियोज़ हमने कवर किए हुए हैं हर लेक्चर हर वीडियो मतलब हर कॉन्सेप्ट कितने मिनट का है ये भी आपको दिया हुआ है वहां पे सो अकॉर्डिंगली यू कैन एक्चुअली प्लान आउट परफेक्टली ठीक है सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसे आप अगर देखोगे तो 10 मिनट 20 सेकंड का कवर अप किया हुआ है अच्छा ऊपर आते हैं कोई और चैप्टर में एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखोगे तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग थेरीज में अठारह मिनट चौदह सेकेंड है तो इतने मिनट का ये वीडियो है अब इससे सर क्या फायदा एक एक कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन अलग अलग करने से क्या फ़ायदा इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट ईजीली आता है आप वो वीडियो स्किप कर सकते हो बिना किसी स्क्रोल वाली झंझट के अदरवाइज आपको हर एक वीडियो में जाओ देखो कि वो पार्ट कहाँ है ये सब पॉसिबल नहीं है ये छोटे छोटे वीडियोस बनाने का एक मेजर पर्पस और सबसे ज़्यादा हेल्प जो होती है वो है टाइम बचाना एंड आई डोंट थिंक सो कि टाइम से ज़्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट होगा अगर आपका टाइम मैं बचा पा रहा हूँ That is the best thing that again uh, will be helpful to you. So it will reduce your time. So 80 hours total content है लेकिन मैं बताता hu 60 घंटे में आप पूरा complete कर सकते हो course. Videos देखना अगर छोटी छोटी जगह से आप time बचाना शुरू करो तो अगेन इतना ही नहीं साइड में मैंने दो कॉलम और डाल दिए तो अगर आपने videos देख लिया क्योंकि 300 सौ वीडियो है तो इसका ट्रैक रखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि आपने कौन सा वीडियो देखा कौन सा नहीं देखा ऑल दो वी हैव इंक्लूडेड लॉर्ड ऑफ फीचर्स दिस टाइम इन द प्लेयर वी हैव चेंज द एंटायर प्लेयर आई एम गोइंग टू अपलोडियो ऑन दैट वेरी सुन बट स्टिल इंडेक्स शीट के साथ में मैंने दो आपको और कॉलम दे दिए हैं अगर आपका वीडियोज देखना हो गया तो यू कैन मार्क इट इन डन अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मार्क इट एज इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट मार्क मार्क करके रख दिया वो इंडेक्स शीट आखिरी में जब आप एग्जाम देने जाओगे ना उसके जस्ट एक दिन पहले यह इंडेक्स शीट देख लो इट विल भी हेल्पफुल टू यू कि आप ये इंपॉर्टेंट किए हुए वीडियोज रिवाइज कर सकते हो सो दिस इज द इंडेक्स शीट एंटायरली ये आपकी इंडेक्स शीट है तकरीबन कितने पंद्रह पेजेस की इंडेक्स शीट है अच्छा डाउट्स वाला पार्ट आता है मैंने आखिरी में कुछ नोट्स दिए हैं कि डाउट्स आप पूछ सकते हो ये वाले नंबर पे। डायरेक्टली मुझसे एट नाइन एट थ्री फोर सेवन फाइव वन फाइव टू व्हाट्सएप ओनली बट दिस टाइम आई सजेस्ट टू यूज द इनबिल्ट फीचर ऑफ द प्लेयर टू आस्क द डाउट्स दिस इज दिस विल हेल्प यू अलॉट सो दिस इज़ एंटायरली अबाउट दी कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू रिसीव इन दी फास्टैग वीडियोज़ नाउ प्लेनली आई एम डिस्कसिंग वन थिंग विथ यू इज़ हाउ टू स्टडी एस एफ एम अब आपके पास सर वीडियोज़ आपने वीडियोज़ के बारे में स्टार्टिंग में जानकारी दी हमने ले ली है सर हमारे पास में बुक्स आने वाली थी क्या कंटेंट आने वाला था आपने बताया वो आ गया अब ये बताओ कि इसको पढ़ना कैसे है और मतलब बेस्ट अप्रोच क्या होगा और मैक्सिमम लोग गलती कहाँ करते ये भी मैं आपको बताऊँगा जो आपको अवॉइड करनी है पहली चीज सीक्वेंस वाइज जाना जैसे सीक्वेंस दिया हुआ है उसके अंदर में वैसे सीक्वेंस वाइज जाना ठीक है सबसे पहले कैपिटल बजटिंग उठाया फिर डिविडेंड लीजिंग उठाया फिर डिविडेंड उठाया एंड देन कंप्लीट गो ऑन एंड कंप्लीट द लेक्चर्स अकॉर्डिंगली ही कॉन्सेप्ट और ये वो सब अरेंज किए हुए आप बीच में से कोई चैप्टर उठाओगे हो सकता है कि उस चैप्टर के उस वीडियो कोई वीडियो में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट कवर्ड हो जो शायद मैंने पहले समझा दिया है तो वो वहाँ कवर होएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि यार ये तो बताया ही नहीं गो विद द सीक्वेंस ठीक है पहली चीज उसके बाद में मैं चैप्टर के लिए बताता हूँ सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखो दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ मैंने है मैंने बताया कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस देखो खत्म हो गए कॉन्सेप्ट अब उसके बाद में क्वेश्चन आएंगे बट डोंट वॉच दैट वीडियोस पहले वो क्वेश्चन खुद करके देखो बुक से जितना आता उतना करो आई एम टेलिंग यू अगर आप दो लाइन भी लिख पाते हो ब्लैंक पेज पर पे अपने नोट्स में दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट आप आपको रियलाइज नहीं कर पाओगे लेकिन वो help करेगा। so, जितना आता है खुद से क्वेश्चन करो उसके बाद अगर कहीं अटके तो वो वीडियो देखो स्पीड में देखना आपको आसानी हो जाएगी वीडियो देखो आंसर पता करो मैंने क्या एक्सप्लेन किया उसमें आपने क्या समझा था और अब आएगी दिक्कत की अब दो चीजें होएगी कि या तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा कि कहाँ अटके थे उसका सोल्यूशन कैसा था मैंने एग्जाम वीडियो में बता दिया लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि मेरा ये अप्रोच अलग है सर ने जो अप्रोच कराया वो अलग है देन रेज अ डाउट 300 सौ वीडियोज है आई एम एक्सपेक्टिंग 300 हंड्रेड क्वेरीज एट लीस्ट फ्रॉम यू पीपल ठीक है फॉर फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सन सो प्लीज आई एम एक्चुअली रिक्वेस्टिंग एंड आई एम फोकस आई लाइक प्रेशरिंग ऑन द ऑन दिस टॉपिक कि आप क्वेरीज पूछो जितनी ज़्यादा आप क्वेरीज पूछोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा एक चीज़ हो होगी तो आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखा उस पर क्वेश्चन खुद सॉल्व किया नहीं समझ में आया आपने वीडियो आ, उस पर वीडियोज देख लिए क्वेश्चन वाले ठीक है ऐसे करते करते आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया उस चैप्टर की प्रैक्टिस मैनुअल कर लो साथ में कंप्लीट कर लो ठीक है थोड़ा सा मिक्स होते रहना चाहिए कि लेक्चर्स प्लस प्रैक्टिस मैनुअल कर लो सर प्रैक्टिस मैनुअल करना जरूरी है कि हाँ क्या सर प्रैक्टिस मैनुअल में से क्वेश्चन कवर नहीं किए हुए किए हुए हैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल से ही है आपको खुद से हार्डली आधा प्रैक्टिस मैनुअल करना पड़ेगा आधे क्वेश्चन बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द प्रैक्टिस मैनुअल बिकॉज इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज इंस्टीट्यूट का मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड एटलीस्ट गो थ्रू इट हाथ लगाना जरूरी है बस इतना समझ लो सो गो थ्रू द प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन पूरा चैप्टर खत्म हो गया कैपिटल बजटिंग का इस दौरान कहीं पे भी दिक्कत आती तो रेज अ क्वेरी नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट हो जाए एंड रिपीट दर प्रोसीजर अब जब नेक्स्ट चैप्टर करना शुरू कर दिए हो तो अब हर ऑल्टरनेट डे पहले पहले वाले चैप्टर के चार्ट रिवाइज करना शुरू कर दो सी आपने एक प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया ले, लेकिन जब अब हाथ कब बैठेगा उस पर जब आप तीन चार पांच बार उसके चार्ट पढ़ लोगे सो होल एंड सोल मैं आप चाहता हूं कि वो सारे के सारे चार्ट आप दस बार पढ़ लो ठीक है दस बार चार्ज पढ़ना इज वेरी इजी पहले बार टाइम लगता है पंद्रह बीस मिनट लगेंगे लेकिन एक बार पांच बार आपने चार्ट पढ़ लिया ना तो पांच पांच मिनट में आपके चार्ट रिवाइज होते हैं सो यू हैव टू डू दिस फॉर द एंटायर सब्जेक्ट एक चैप्टर का मैंने सिक्वेंस बताया कॉन्सेप्ट खुद सॉल्व किया वीडियो देखा प्रैक्टिस मैनुअल किया फिर वापस से नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर वापस से नेक्स्ट चैप्टर के लिए कीप ऑन ट्रैकिंग कि आप कितना पढ़ लिए हो कितना टाइम बचा है आपके पास में प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी एंड फॉर ऑल द टाइम आई एम देयर टू हेल्प यू आउट विद द एस एफ एम सो कहीं भी कोई दिक्कत आए तो प्लीज डोंट हेजिटेट डाउट्स पूछने के लिए अच्छा टेक्निकल बात करता हूँ एस एफ एम कैसे प्रिपेयर करना मैंने आपको बता दिया ध्यान रहे आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ना कि वीडियोज़ ख़त्म करने में ये सब मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि नो no मैटर आप कोई फेस टू फेस क्लास में जाए या वीडियोस देखे अगर मैंने टीचर ने अगर बोर्ड पे कुछ सॉल्व करा दिया तो वो क्वेश्चन बहुत इजी लगता है लेकिन जब हम ब्लैंक पेपर पे सॉल्व करने बैठते हैं इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट मैं नहीं चाहता कि आप ये वीडियोस ले लो और अल्टीमेटली फेल हो जाओ आप कोई फेस टू फेस क्लास कर लो और उस अल्टीमेटली फेल हो जाओ कुछ भी हो दिस शुड नॉट हैपन सो अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर फैसिलिटी दैट आई और अदर टीचर विल बी प्रोवाइडिंग टू यू इट्स नेसेसरी कि आप खुद के बल दम पे खड़े हो रहो तैयार रहो कि इन सब की जरूरत ना पड़े अल्टीमेटली एग्ज़ाम में जब जाओगे तो आपका दिमाग आपके साथ में रहेगा कोई फ्रेंड कोई टीचर कोई नोट्स कोई क्लासेस साथ में नहीं रहेगी सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस फॉर द एग्जाम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो आप सब कुछ सॉल्व कर पाओगे प्लस प्रैक्टिस होना इन सब के बाद में भी एक चीज़ छूट जाएगी वो है टेस्ट पेपर्स एग्जाम देना ज़रूर आई एम गोइंग टू कंडक्ट टेस्ट सीरीज फॉर नवेंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन अटम्ट आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन यू ट्यूब फॉर देट कि कब कंडक्ट होगा कैसे होगा इट विल बी अ डिजिटल टेस्ट सीरीज बट अगर वो नहीं भी आती है किसी कारण वश क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन देट तो प्लीज पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर एग्जाम कंडीशन में सॉल्व करके जरूर देखना पाँच एग्जाम दैट्स एट दैट विल बी इनफ दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू सर इतना सारा करना पड़ेगा हमने तो सोचा था वीडियो लेक्चर ले लेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा हमारा कवर अप फेस टू फेस क्लास लगाओ मेरे पास आओ कहीं पे भी जाओ मेहनत कम नहीं होती अगर एग्ज़ाम में पास होना है कितना भी कोई मेहनत कर ले पीछे में अल्टीमेटली रिजल्ट आपको पता है सात से आठ परसेंट आना है तो मेहनत सबको करना है इफ़ द ओनली थिंग दैट विल बी हेल्पफुल टू यू बाय टेकिंग दिस वीडियो लेक्चर्स इज आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू ऑल द टाइम फॉर अर सेल्फ सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट एक कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ो और मेहनत करो अगर आपने मेहनत नहीं की ना तो मेरा कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है मैं कितनी भी यहाँ पे सर पटक लूँ आपने मेहनत नहीं की तो रिजल्ट वही आएगा सो प्लीज़ मेक श्योर कि वो दिन ना आए कि वापस पढ़ना पड़े एक बार वंस एंड फॉल ऑल वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देना सारा का सारा ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ दीज आर देर ऑफ अदर थिंग्स दैट इज़ नेसेसरी कि मोटिवेट मोटिवेटेड रहना पड़ता है पूरे टाइम में इतना आसान नहीं होता वीडियोस देखना भी क्वेश्चन सॉल्व करना भी पढ़ना भी बाकी सब्जेक्ट्स भी मैनेज करना बट यू हैव टू डू इट सो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट द वीडियो लेक्चर दैट आई आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल आई होप यू अंडरस्टूड वेल अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स गो अहेड स्टार्ट विद द कैपिटल बजटिंग चैप्टर एंड आई आई विल बी एक्सपेक्टिंग डाउट्स फ्रॉम यू पीपल ऑल्सो स्टे अपडेटेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप बिकॉज आई एम कनेक्टेड देयर विद ऑल द पीपल सो यूट्यूब और व्हाट्सअप इन दो पे मैं अपडेट्स जरूर देता रहूँगा टाइम टू तो टाइम और देर आर लॉट ऑफ थिंगस आर आईम गोइंग टू शेयर विथ यू पीपल कि वेटेज क्या है एक एनालिसिस क्या है क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट लास्ट के मंथ में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलीज करूँगा पहले नहीं करता हूँ रीज़न इसलिए है कि बच्चे ना बड़े नालायक होते हैं अगर मैंने पहले रिलीज़ कर दिए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जो फास्ट ट्रैक के या फिर रेगुलर के लेक्चर या फिर अपने प्रैक्टिस में सब छोड़ छाड़ के ये सब करने बैठ जाएंगे क्योंकि किसी को भी मेहनत करना पसंद नहीं है सर छोटा मोटा कुछ रास्ता बता दो सीक्रेट का तो यही करने बैठ जाएंगे और ऐसा हेल्प नहीं होती ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिविजन पर्पज़ के लिए होते हैं अगर आपने वो किया तो ये आपके काम आएंगे सो दैट्स वाई आई विल नॉट रिलीज इट लाइक अनटिल द लास्ट मंथ ऑफ द क्वेश्चन सो दिस इज वॉट आई एंटायरली आई वॉन्टेड टू से अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द वीडियो लेक्चर्स Go ahead and watch the lectures. I will be uh, <coughs> waiting for your doubts. Bye bye.